A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain MTS previous year question, and it is set 17 today. So let's get started. Question number one is, what a better way of taking care than ensure good health? आप यहाँ better than देख रहे हैं, बेटर के साथ यह दैन लगा है, यानी कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। कॉम्परेटिव डिग्री हमेशा इक्वल कंपैरिजन को शो करता है। इक्वल कंपैरिजन का यहां मतलब है कि या तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करेगा, इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव से, जेरंड का जेरंड से। तो यहां आप देख रहे हैं दैन के पहले टेकिंग केयर यानी जेरंड प्लस नाउन है, दैन के बाद भी जेरंड प्लस नाउन होना चाहिए, इसलिए इंश्योर के जगह पर एंश्योरिंग होगा, एंश्योरिंग गुड हेल्थ, यानी आंसर सी। क्वेश्चन नंबर टू, इट इज अ वेरी पेनिंग एक्सपीरियंस बोथ फॉर द वन हु डैस गायब है यहां एंड फॉर देम हु आर द विक्टिम्स। एक तो इसका जो बी नंबर पार्ट है वो अपने आप में इनकम्प्लीट है। अब किताब में ही ऐसा है, बी इनकम्प्लीट ही दिया हुआ है। पूछा क्या गया था मैं नहीं जानता, मैं तो खास किताब को एक्सप्लेन कर रहा हूं। बट यहां जो आप एडजेक्टिव पेनिंग देख रहे हैं, पेन का अगर हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो एक पेनफुल होता है और दूसरा पेनलेस होता है। पेनफुल कष्टदायक, दर्दनाक, पेनलेस दर्द रहित, दो ही एडजेक्टिव पेन से बनता है। पेनिंग कोई एडजेक्टिव नहीं है। पेनफुल एक्सपीरियंस यानी वह एक्सपीरियंस, वह अनुभव जो कष्टदायक है। तो आंसर ए होगा और बी भी अटपटा है, बी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। यहां चाहिए था बोथ फॉर द वन हु आर कल्प्रीट, तब यह पूरा होगा। बोथ फॉर द वन हु, अब यहां द वन जब एंटीसीडेंट है ना, तो हु के बाद इज लगाएं। हु इज कल्प्रीट, जो दोषी है, एंड फॉर देम हु आर द विक्टिम्स, और उनके लिए भी जो पीड़ित हैं। तो आंसर टू का ए होगा और बी इसलिए गलत है क्योंकि वह अटपटा है। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर थ्री में है, देयर आर ओनली 10 टीचर्स, देयर आर ओनली 10 टीचर्स डैश द स्टाफ ऑफ दिस स्कूल। इस स्कूल के स्टाफ में सिर्फ 10 शिक्षक हैं, यानी क्या यूज करें, ऑन, एट, एज और अंडर। तो यह आपको याद करना पड़ेगा, ऑन द स्टाफ ऑफ लिखा जाता है, जहां स्टाफ की संख्या का वर्णन किया गया हो इस स्ट्रक्चर के साथ, वहां हम हमेशा ऑन का ही यूज करते हैं। हिंदी में भले ही हम मे कहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में यहां ऑन का यूज होगा। जैसे आपको कहना हो वाराणसी के रास्ते में, तो भले ही वहां मे है लेकिन आप कहते हैं ऑन द वे टू वाराणसी, तो ऑन यहां पर फिक्स था। क्वेश्चन नंबर फोर, गीता डैश दैट सी कुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस, बोस्ट, सजेस्ट, रोस्ट और सबमिट, ये 4 मेन वर्ब हैं जिनका पास्ट फॉर्म यहां दिया हुआ है। बोस्ट मीन्स होता है डिंग हाँकना, सेखी बघारना या डिंग हाँकना, सजेस्ट सलाह देना, सजेस्ट सलाह देना, रोस्ट पकाना, सीधे आग पर पकाना रोस्ट कहलाता है, सबमिट जमा करना, और इसी सबमिट का अर्थ होता है झुक जाना। आप लोग कमेंट करके बता दें सबमिट का नाउन क्या होगा, सबमिट का नाउन क्या होगा, आप सभी कमेंट कर दें, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना करके आप लोग कमेंट करें। अब कोई
डैश किया कि वह चार लैंग्वेजेस बोलने योग्य थी, तो यह क्या है, सजेस्ट, रोस्ट और सबमिट देंगे नहीं तो यह बोस्टेड है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, चार पांच लैंग्वेज तो लोग यूं ही बोल लेते हैं। खैर यहाँ बोस्टेड ही होगा, बोस्ट मीन्स डींग हाँकना। मैंने आपसे प्रश्न किया था सबमिट का नाउन बना दें, सबमिट का नाउन होता है सबमिशन, एडजेक्टिव होता है सबमिसिव। क्वेश्चन नंबर 5, रिट्रीट, इसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है रिट्रीट का। एडवांस है, कमिंग है, विथड्रॉल है और अराइवल है। तो रिट्रीट मींस होता है पीछे हटना, यानी मोर्चे से हट जाना, रिट्रीट है। एडवांस इसका एंटोनिम होगा, एडवांस मींस होता है आगे बढ़ना, एडवांस आगे बढ़ना, यानी रिट्रीट का यह एंटोनिम है। कमिंग आगमन, विथड्रॉवल वापसी और अराइवल आगमन। अच्छा यहाँ जब सभी ये तीन नाउन के रूप में हैं तो रिट्रीट का अर्थ भी मुझे नाउन में ही लिखना होगा। रिट्रीट मीन्स पीछे हटने का काम। खैर रहने दें, अब रिट्रीट का हमें सिनोनिम देना है तो पीछे हटना यानी वापस लेना एक ही शब्द है, आंसर होगा सी 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, 6 में है टीमिड, और टीमिड का सिमिलर वर्ड आपको बताना है। ए में कोवर्ड है, बी में ब्रेव है, सी में बोल्ड है और डी में फियरलेस है। टीमिड मीन्स होता है डरपोक, टीमिड मीन्स डरपोक होता है, कोवर्ड मीन्स भी डरपोक होता है, ब्रेव मीन्स बहादुर, बोल्ड मीन्स साहसी और फियरलेस मीन्स नीडर। इसका सिनोनिम इंट्रेपिड होता है, बोल्ड भी होता है। फियरलेस का एग्जैक्ट सिनोनिम इंट्रेपिड होगा, ऑप्शन में इंट्रेपिड ना हो तो आप बोल्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रश्न टीमिड है, बताना है सिमिलर इन मीनिंग, तो आप सेलेक्ट कर लें ए को, कोवर्ड मीन्स डरपोक, टीमिड मीन्स डरपोक। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्विक्ट, और इसका भी सिमिलर वर्ड आपको बताना है। ए में विक्टिम है, बी में फ्री, सी में कल्प्रिट और डी में इंडिपेंडेंट। कॉन्विक्ट मीन्स होता है दोषी, कोर्ट के द्वारा जिसके ऊपर दोष सिद्ध कर दिया गया हो वह कॉन्विक्ट कहलाता है। इसी कॉन्विक्ट का प्रयोग अगर हम वर्ब के रूप में कर दें तो इसका अर्थ होता है दृढ़ संकल्प लेना। कॉन्विक्ट का दूसरा अर्थ पॉजिटिव सेंस में है, दृढ़ संकल्प लेना, यानी रेजोल्यूट हो जाना, डिटरमिन हो जाना, दृढ़ संकल्प लेना। विक्टिम मीन्स होता है पीड़ित, विक्टिम मीन्स पीड़ित, फ्री मीन्स मुक्त या स्वतंत्र, कल्प्रीट दोषी और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। तो कन्विक्ट दोषी, कल्प्रीट दोषी, गिल्टी मीन्स दोषी। तो आंसर 7 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, और 8 में है स्लगिश, इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है स्लगिश का। स्लगिश का हिंदी मीनिंग होता है आलसी, स्लगिश मीन्स शिथिल, इनर्ट निष्क्रिय, हेवी भारी, स्लो मंद और अलर्ट चौकन्ना। तो स्लगिश आलसी होता है, शिथिल होता है और अलर्ट मीन्स होता है चौकन्ना, यानी 8 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, शब्द है क्राफ्टी,
और इसका भी अपोजिट वर्ड बताना है, क्राफ्ट मीन्स कला होता है और उसी का एडजेक्टिव होता है क्राफ्टी। क्राफ्टी का प्रयोग हम धूर्त के अर्थ में करते हैं, चतुर के अर्थ में करते हैं, और वह जो अपने क्राफ्ट में एक्सपर्ट हो उसे भी क्राफ्टी कहते हैं, यानी निपुण। शार्प तीक्ष्ण तेज स्मार्ट आर्टफुल और अनस्किल्ड। आर्टफुल आर्टफुल चालाक, आर्टफुल मीन्स धूर्त, आर्टफुल मीन्स कपटी, अनस्किल्ड अकुशल। अब शब्द है क्राफ्टी। क्राफ्टी के लिए अगर हम धूर्त का एंटोनिम देखें तो यहां नहीं दिख रहा है, जेंटिल होता है, यहां नहीं दिख रहा है, यानी निपुण। तो निपुण का दिख रहा है अनस्किल्ड, इसलिए 9 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कोवर्ट, और इसका भी अपोजिट वर्ड आपको बताना है, कोवर्ट गुप्त, पब्लिक अगर नाउन के रूप में लिखें तो जनता, पब्लिक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ हो तो इसका अर्थ सार्वजनिक, सार्वजनिक। हिडन गुप्त छिपा हुआ, प्राइवेट निजी, और कॉन्सील्ड गुप्त। शब्द है कोवर्ट। कोवर्ट मीन्स गुप्त होता है, पब्लिक मीन्स सार्वजनिक होता है, इसलिए आंसर 10 का ए होगा। हमें एंटोनिम बताना है, बाकी कोई हो नहीं सकता, 10 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जॉन्डिस्ड आई, ए में है ए क्रिमिनल, बी में ए प्रिजुडिस्ड व्यू, सी में टू बी स्टूपिड और डी में एन एक्सपीरियंस्ड मैन। जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है प्रिजुडिस्ड व्यू, तो जॉन्डिस्ड आई यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित, क्रिमिनल अपराधी प्रिजुडिस्ड व्यू, बायस्ड व्यू भी लिख सकते हैं। आंसर 11 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इडियम है, इसका आप मीनिंग बताएं। टू किल वास्तव में यह है टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से दो पक्षियों को मार डालना, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान, एक तीर से एक तीर से दो निशान। टू टेक रेवेंस फ्रॉम टू एनिमीज, पहली बात यहां फ्रॉम नहीं होगा, इसे सीखें। टेक रेवेंज के बाद प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं आप कमेंट करके बताएं, फ्रॉम नहीं होता है। टू सर्व टू पर्पसेस एट वन टाइम, एक ही समय में दो उद्देश्यों को सिद्ध कर लेना, आंसर बी होगा। तो टू टेक रेवेंज के साथ या तो हम ऑन का यूज करते हैं या अपॉन का, अर्थ होता है प्रतिशोध लेना यानी रिटेलिएट। तो 12 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करना है, ए फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। पार्ट मींस जुदा होना, पार्ट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं कमेंट करके बताएं आप लोग, पार्ट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लगेगा आप सभी जल्दी से कमेंट कर दें। ए फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड, मूर्ख
और उसका धन जल्दी ही अलग हो जाते हैं। यानी किसी मूर्ख को धन की प्राप्ति हो जाए तो मूर्ख के साथ वह लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता, दोनों जल्द ही पार्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सेंटेंस में कोई एरर नहीं, यह बिल्कुल सही है। पार्ट मीन्स जुदा होना। अब मैंने जो आपसे प्रश्न किया कि पार्ट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, तो पार्ट फ्रॉम ए पर्सन, पार्ट फ्रॉम ए पर्सन किसी व्यक्ति से जुदा होना, पार्ट विथ समथिंग, पार्ट विथ समथिंग किसी चीज से जुदा होना। आई कांट पार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से अलग नहीं हो सकता। आई कांट पार्ट विद माई मोबाइल, मैं अपने मोबाइल से अलग नहीं हो सकता। तो जहां पर्सन हो वहां फ्रॉम लगाएं, जहां थिंग हो वहां विद लगाएं। पार्ट के साथ ये दोनों प्रेपोजिशन यूज होते हैं। 13 का आंसर डी होगा, क्वेश्चन नंबर 14। जया, यू एंड आई शैल गो फॉर अ मूवी टुगेदर। यहां पर पर्सनल प्रोनाउन का इंपॉर्टेंट रूल काम कर रहा है। हमें इन्हें 2-3-1 के सीक्वेंस में रखना होगा, यानी पहले सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो यू जया एंड आई होगा, यू जया एंड आई, 14 का आंसर बी। और यहां भी आपसे प्रश्न करूंगा, यदि 2-3-1 का सीक्वेंस सब्जेक्ट के जगह पर हो तो पजेसिव एडजेक्टिव आप क्या यूज करते हैं, कमेंट करके बता दें। 14 का आंसर बी होगा। 15, साइंस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का विज्ञान, रुधिर का, रक्त का, खून का विज्ञान क्या है। ऑर्निथोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स। क्लाइमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ क्लाइमेट, स्टडी ऑफ क्लाइमेट। एंड इथियोलॉजी, स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीजेज, स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीजेज, बीमारी होने के कारणों का अध्ययन। अमेरिकन इंग्लिश में AE करके लिखा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में ETI करके लिखा जाता है। हेमेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, इसलिए आंसर होगा डी। 15 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, साइंस डीलिंग विथ हेरिडिटी, वह विज्ञान जो संबंध रखता है, कंसर्निंग होता है हेरिडिटी से, आनुवांशिकता से, उस विज्ञान को क्या कहें। गैस्ट्रोनॉमी यानी साइंस ऑफ कुकिंग फूड, साइंस ऑफ कुकिंग फूड को हम गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एविएशन, साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। जेनेटिक्स यानी साइंस डीलिंग विथ हेरिडिटी, आनुवांशिकी अध्ययन। एंड कैलोलॉजी, साइंस डीलिंग विथ ब्यूटी और हैंडसॉमनेस, सौंदर्य विज्ञान को हम कैलोलॉजी कहते हैं, सौंदर्य विज्ञान। तो 16 का आंसर सी होगा,
क्वेश्चन नंबर 17, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करें. शब्द है एसेंशियल. एसेंशियल, एसेंशियल यानी आंसर होगा बी. एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक, आवश्यक, एसेंशियल. क्वेश्चन नंबर 18, हेडेक करेक्टली स्पेल्ड चूज करना है. एच ई ए डी ए सी एच ई, आंसर ए होगा, सिर दर्द आप भली भांति जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 19, अरेंजमेंट है. कमेंट करें सभी लोग. गॉड विल टू हेल्प आर सेल्व्स हेल्प अस इफ वी आर प्रिपेयर्ड. आप जानते हैं ना, वी आर प्रिपेयर्ड के बाद टू हेल्प यानी टू प्लस भी वन लगेगा. तो गॉड विल, विल के बाद भी वन चाहिए, इसलिए क्यू से शुरू करें. गॉड विल हेल्प अस इफ वी आर प्रिपेयर्ड टू हेल्प आर सेल्व्स. यदि हम खुद की मदद करने के लिए तैयार हैं तो हमारी मदद ईश्वर करेगा. क्यू आर पी आंसर होगा, यानी 19 का ए. अब इतना हल्का नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन सेट्स में है तो मैं पढ़ा रहा हूं. इन इन्हें आप बेस मानकर चलें, बेस लेवल नहीं, ये बेस हैं. इन्हें बना रहे हैं तो आगे के लेवल का भी आप बना सकते हैं. द कोऑपरेटिव सिस्टम अ गुड वे ऑफ एनकरेजिंग, नहीं होगा पी से शुरू. ऑफ डूइंग बिजनेस इज ऑर्डिनरी वर्कर्स टू वर्क हार्ड. द कोऑपरेटिव सिस्टम, चर्चा कोऑपरेटिव सिस्टम की हो रही है. अब अगर इज रहता हम उसे सेलेक्ट कर लेते. द कोऑपरेटिव सिस्टम यानी वह तंत्र जो सहायक है किस चीज का. ऑफ डूइंग बिजनेस इज, यहां देखिए वर्ब है, यानी यह पार्ट टोटल सब्जेक्ट हो गया. शुरू करें क्यू से. द कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ डूइंग बिजनेस इज अ गुड वे ऑफ एनकरेजिंग ऑर्डिनरी वर्कर्स टू वर्क हार्ड. कोऑपरेटिव सिस्टम जहां होता है वहां साधारण वर्कर भी कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं. तो क्यू पी आर आंसर होगा, और क्यू पी आर ए में दिया हुआ है. 21 से 25 में क्लोज टेस्ट है. फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ टू थ्री और मोर पर्सन्स लिविंग टुगेदर इन वन होम. फैमिली क्या है, जब दो तीन या उससे अधिक लोग एक घर में एक साथ रहते हैं वो फैमिली कही जाती है. अ न्यू कमर बेबी डैश पॉजिटिव फैमिली रिलेशनशिप्स फॉर हिज हर डैश डिवेलपमेंट एंड वेल बीइंग इन द सोसाइटी. अ न्यू कॉमर बेबी डैश पॉजिटिव फैमिली रिलेशनशिप्स asks for, aspires, demands for or requires. Ask for means मांग करना, मांगना. Demand for भी ask for ही है. Aspire इच्छा रखना. और require आवश्यकता होना. इस बात को स्पष्ट करने के लिए आगे पढ़ लेना होगा. फैमिली में अगर कोई न्यू कॉमर बेबी आ रहा है, नया कोई बच्चा आ रहा है, उसे डैश होती है पॉजिटिव फैमिली रिलेशनशिप्स की. फॉर हिज हर डैश डेवलपमेंट, किसी बच्चे का डेवलपमेंट तब होता है जब परिवार के लोगों की सोच पॉजिटिव हो, वहां हर चीज पॉजिटिव हो. तो आवश्यकता होती है, इसलिए हम आंसर डी देंगे. रिक्वायर यहां सूट करेगा. वो बच्चा डिमांड नहीं करेगा, वो आस्क फॉर नहीं करेगा, लेकिन जो न्यू कॉमर बेबी है उसे आवश्यकता होती है, रिक्वायर होता है उसे पॉजिटिव फैमिली रिलेशनशिप्स फॉर हिज हर डैश डेवलपमेंट, उसके डैश डेवलपमेंट के लिए.
हिज हर ओवरऑल डिवेलपमेंट, ग्रेट डिवेलपमेंट, मीगा डिवेलपमेंट और ऑसम डिवेलपमेंट। डिवेलपमेंट के लिए इन सभी एडजेक्टिव्स में कौन सा सबसे बढ़िया होगा? तो ओवरऑल डिवेलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास। उस बेबी के सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी होता है कि परिवार के लोगों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप हो। मीगर मींस अल्प होता है, थोड़ा, स्कार्स इसका सिनोनिम होता है, ऑसम बहुत सुंदर बढ़िया, लेकिन फिर भी यहां ओवरऑल होगा 22 का आंसर ए। 23 एंड वेल बीइंग इन द सोसाइटी, ठीक है। अब यहां आ जाएं, हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप्स हेल्प इन डैश गुड हैबिट्स। हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप मदद करते हैं इन डैश गुड हैबिट्स, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस इन द चिल्ड्रन। बच्चों के अंतर्गत उनके पारिवारिक परंपरा, संस्कृति और उनमें गुड हैबिट्स को परिवार के लोगों के बीच के अच्छे संबंध डैश करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, प्रोमोट करते हैं, हाइड करते हैं। तो यहां होगा प्रोमोटिंग। प्रोमोट गुड सेंस का वर्ड है, प्रोमोट मींस एनकरेज, प्रोमोट मींस बढ़ावा देना, मैनिपुलेट चालाकी से इस्तेमाल करना, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, कुछ फेर बदल करके इस तरह से इस्तेमाल करना कि अपना काम निकल जाए, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेटिंग। इग्नोर, अनदेखा करना। 23 का आंसर सी होगा, प्रोमोटिंग, चूंकि गुड हैबिट को, कल्चर और ट्रेडिशन को हम प्रोमोट करते हैं। आंसर सी होगा। ए हेल्दी फैमिली डैश द नीड ऑफ डैश स्पेशली चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल। ए हेल्दी फैमिली, अब ये जो चर्चा हो रही है यह हमेशा कायम रहने वाली बात है, प्रेजेंट में लिखा गया है, इसलिए हम ए हेल्दी फैमिली सब्जेक्ट को देखते हुए इज को सेलेक्ट कर लें। ए हेल्दी फैमिली इज द नीड ऑफ डैश, एक हेल्दी फैमिली आवश्यकता होती है, नीड ऑफ डैश स्पेशली चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल, सभी लोगों को हेल्दी फैमिली की आवश्यकता होती है, लेकिन खास तौर पर बच्चे और वृद्ध को। तो नीड ऑफ एवरीवन होगा, हर किसी की यह जरूरत है कि फैमिली हेल्दी हो, लेकिन खास तौर पर बच्चे के लिए और वृद्ध के लिए। अब यहां भी ग्रामर के नियम को तोड़ा गया है, एंड से हमेशा दो एक ही तरह के शब्द जुड़ते हैं, या तो दोनों सिंगुलर होंगे नहीं तो दोनों प्लुरल होंगे। यहां एक सिंगुलर दिख रहा है, एक प्लुरल दिख रहा है, ग्रामेटिकल एरर है, चिल्ड्रन होना चाहिए। तो इस तरह से सेट 17 को हम लोगों ने इस क्लास में पूरा किया। अगले वीडियो में मैं सेट 18 लेकर के आऊंगा। लाइव क्लास में संख्या बढ़े इसके लिए सभी लोग काफी प्रयास करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।